Hi everyone, welcome back to our English class after a little break. I hope you all complete your task and all pending work. Okay, so let's start now the unit 3, the koala bear. This story is about a bear who look like a teddy bear. Some animals that are found in Australia. Some of the best known Australian animals are the kangaroo, koala, and wombat. So let's read. The koala bear is actually not a bear at all. It got its name because it looks like a teddy bear. Actually koala bear नहीं है, वो सिर्फ teddy bear के तरह दिखता है. So उसे वो नाम मिला है. Okay. The koala actually belongs to a family of animals called marsupials. Koala bear actually marsupials family से belong करते हैं. Means mammals. The females like the koala female have pouches which they keep their young. Mammals जिन्हें pouches होते हैं जिसमें वो अपने बच्चे को रखते हैं उस family की से कोआला बियर बिलोंग करते हैं. ओके, द मार्सुपियल्स वेयर फर्स्ट फाउंड ओनली इन नॉर्थ अमेरिका. लेटर दे रीच साउथ अमेरिका एंड स्टिल लेटर रीच ऑस्ट्रेलिया. देयर आर 140 काइंड्स ऑफ मार्सुपियल्स एंड मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया. मार्सुपियल्स सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में पाए गए, देन वो साउथ अमेरिका और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया. वी कैन फाउंड इन नाउ इन ऑस्ट्रेलिया. उनके मार्सुपियल्स की 140 प्रजातियां ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है. सम ऑफ देम लाइक द कोआला, द वोम्बैट एंड द कांगारू हैव पाउचेस. वी ऑल नो दैट अबाउट द कांगारू एंड वोम्बैट विच आर स्मॉल बियर एंड शॉर्ट लेग्स. देयर दे हैव आल्सो पाउचेस. कोआला बियर जैसे ही वोम्बैट और कांगारूज भी ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे मार्सुपियल्स हैं कि जिन्हें पाउचेस होते हैं. देन नेक्स्ट पैरा, कोआलाज लिव इन ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वेयर देयर आर मेनी यूकेलिप्टस ट्रीज. दे लव टू ईट द लीव्स ऑफ दिस ट्रीज. कोआलास ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं जहाँ यूकेलिप्टस ट्रीज बहुत सारे हैं, और कोआलास को यूकेलिप्टस ट्रीज के लीव्स बहुत पसंद है. दे हार्डली एवर लीव द ट्रीज. वो कम से कम टाइम उस पेड़ के दूर रहते हैं. इन फैक्ट दे मे बी सीन डोजिंग ऑन अ यूकेलिप्टस ट्री ऑलमोस्ट द होल डे. असल में वो दिन में ज़्यादातर टाइम यूकेलिप्टस ट्री पर ही सोए हुए दिखाई देते हैं. देन कोआला स्लीप फॉर ऑलमोस्ट 18 आवर्स अ डे. वो 18 आवर्स तक सोते हैं. देन व्हेन डू दे ईट. वेल व्हेन दे आर नॉट अस्लीप दे ईट. This happens especially at night. They sleep almost 18 hours a day. Okay. और जब भी वो सोए नहीं रहते तब वो खाते रहते पेड़ के पत्ते, यूकेलिप्टस ट्रीज के पत्ते खाते रहते हैं. Each koala eats about a kilo of eucalyptus leaves a day. They even store these leaves in pouches in their cheeks. हर एक कोआला दिन में 1 किलो यूकेलिप्टस लीव्स खाते हैं. वो अपनी चिक्स में भी लीव स्टोर करके रखते हैं. यूकेलिप्टस लीव्स आर वेरी टफ एंड ऑफन पॉइजनस बट द कोआला डाइजेस्ट देम क्वाइट इजीली. यूकेलिप्टस लीव्स आर वेरी टफ एंड ऑफन पॉइजनस बट द कोआला डाइजेस्ट देम क्वाइट इजीली. यूकेलिप्टस लीव्स बहुत टफ और पॉइजनस भी होते हैं बट वो उसको आसानी से पचा लेते हैं.
दे ईट सो मेनी ऑफ दिस लीव्स दैट दे बिगिन टू स्मेल लाइक द ऑयल कंटेंट इन दिस लीव्स। कॉलाज यूकेलिप्टस ट्रीज के बहुत सारे पत्ते खाते हैं, इसके वजह से उनकी जो स्मेल है, उनकी जो बॉडी की स्मेल है, वो भी यूकेलिप्टस लीव्स के अंदर जो ऑयल रहता है उसकी तरह ही वो भी स्मेल करते हैं। उनकी बॉडी भी सेम उसी ऑयल की तरह पूरी बॉडी स्मेल करती है। नेक्स्ट पैरा, कॉलाज हार्डली ड्रिंक एनी वाटर, दे गेट ऑल द वाटर दे नीड फ्रॉम द लीव्स दे ईट। कॉलाज बहुत कम पानी पीते हैं, उनकी पानी की ज़रूरत उस यूकेलिप्टस लीव्स के पत्तों से ही पूरी हो जाती है, उन्हें वहीं से वाटर मिल जाता है। हाउएवर व्हेन इट इज़ वेरी हॉट स्पेशली ड्यूरिंग हीट वेव्स दे डू सर्च फॉर वाटर टू ड्रिंक। जब कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब वो पानी पीने के लिए ढूंढते हैं। देयर इज़ अ स्टोरी ऑफ अ कोआला दैट ड्रैंक फ्रॉम अ फायर फाइटर्स वाटर बॉटल एज ईच ईयर सीम्स टू गेट हॉटर इन ऑस्ट्रेलिया देयर आर मोर स्टोरीज ऑफ कोआलास वॉन्टिंग वाटर फ्रॉम ह्यूमन बींग्स। ये जो कोआला बियर्स हैं वो वाटर बॉटल्स से ही पानी पीते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स पानी पीते हैं वैसे ही वो भी वाटर बॉटल से पानी पीते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में कोआला बियर्स जब गर्मी के समय में पानी कैसे पीते हैं, वाटर बॉटल से पानी कैसे पीते हैं, फायर फाइटर्स वो जो रहते हैं उनसे पानी लेके कैसे पीते हैं, ऐसे बहुत सारे किस्से भी हैं। ओके दैट्स इट फॉर टुडे।